दिस इज़ फॉर क्लास 9th मैट्रिक सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सेशन नंबर 3। आवर टुडेज टॉपिक इज वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। इट मीन्स डैट हम किसी बॉडी को अर्थ से दूर लेते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा। Now look at this diagram. Consider a body of mass m. हमने एक body mass m को अर्थ की सरफेस पे रखा। The gravitational force of attraction between the body and the earth. जाहिर है अर्थ इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगी। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी? इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। हमें मालूम है कि अर्थ की अट्रैक्शन कितनी होगी? वेट ऑफ द बॉडी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। हमारे पास मास m अर्थ की सरफेस के ऊपर जस्ट रखा हुआ है। ये हमारे अर्थ का सेंटर है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। हम इसे मास ऑफ अर्थ को me से डिनोट करेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ re से डिनोट किया जाएगा और मास m जो बहुत ही स्मॉलर है रिलेटेड टू अर्थ उसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। अब हमारे पास क्या हमें प्रूफ करना है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा कोई बॉडी अवे फ्रॉम द अर्थ होती जाएगी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज होती जाएगी। नाउ बाय द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वी नो डैट एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी मास ऑफ द बॉडी इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। अवर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एफ इज इक्वल्स टू जी एम मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। नाउ हेयर इन दिस केस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। सो वी हैव रिटन एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जी मास इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। नाउ एम विल बी कैंसल्ड। हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू जी और ये हमने मास कैंसिल किया था। हमारे पास रिमेनिंग है ग्रेविटेशनल कॉन्सेंट जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। अब अगर हम ये देखें तो ये हमारा जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सेंटेंट है ये और मास ऑफ अर्थ भी दोनों कांस्टेंट हैं। तो हमने क्या किया जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। कांस्टेंट को सेपरेट किया हमारे पास 1/r² आया जी। अब जब कांस्टेंट हमें मालूम है जब भी कांस्टेंट को हटाया जाएगा या हमारे पास कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दूसरे के साथ तो वहाँ पर कॉन्स्टेंट आता है। हमने ये हटाया हमारे पास आया जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हमें मालूम है कि अगर रेडियस ऑफ अर्थ से कोई चीज़ दूर होती जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होती जाएगी। जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². इट मीन्स ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्वेशन 1 कह लें इसे हम। इसका मतलब ये है कि जी और ये आर ई रेडियस ऑफ अर्थ एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड हैं। इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ अर्थ से मास दूर होता जाएगा तो हमारे पास ग्रेविटी डिक्रीज होती जाएगी और वाइस वर्सा जितना ज़्यादा ये करीब होता जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ अर्थ से ग्रेविटी इंक्रीज होती जाएगी। इस केस में हमने ये देखा कि ग्रेविटी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। हमने सबसे पहले लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लिया उसमें फोर्स वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है जो कि नीचे अप्लाई हो रही है। हमने यहाँ पे रखा वेट को वेट इज इक्वल्स टू एम जी यहाँ पे कैंसिल हुआ हमारे पास कांस्टेंट अपॉन आर ई स्क्वायर आया। नाउ आवर इक्वेशन इज जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। Our next topic is determination of the value of gravity at a distance
Re+H from the center of Earth. Now look at this diagram. यहाँ पे हमारे पास अर्थ शो की हमने और इसका मास Me के इक्वल है. ये रेडियस ऑफ अर्थ शो किया गया है. Re is equals to radius of Earth. Now an object is placed at a distance h from radius of Earth. अब हमने एक ऑब्जेक्ट को मास को यहाँ पे h डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रेडियस ऑफ अर्थ रखा. अब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है, डेट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. नाउ आवर इक्वेशन इज, या हम कह लें कि कितना डिस्टेंस अवे है, ये है Re+H. इस बॉडी का डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ से कितनी दूर है. रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, एच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. नाउ आवर इक्वेशन इज, हमारे पास क्या है, इक्वेशन बन रही है, डिस्टेंस कितना है उस ऑब्जेक्ट का, Re+H, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच. ये ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, रेडियस ऑफ अर्थ इतना और प्लस एच ये इतनी हाइट जो कि इससे अवे फ्रॉम द अर्थ है. एक्सीलरेशन इस पर काम कर रही है, अभी आपको बताया कि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी यहाँ पे. तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, जी इज इक्वल्स टू, और ये है हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इन टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई Re² रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर. नाउ दिस ग्रेविटी इज ग्रेविटी ड्यू टू हाइट. ये फोर्स जो है हमारी ये ड्यू टू हाइट है, तो ये हो जाएगी हमारे पास GH इज इक्वल्स टू GME डिवाइडेड बाय ये रेडियस ऑफ अर्थ. इसमें हमने लिखा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये रेडियस ऑफ अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया है ये एच हाइट अवे है. नाउ आवर इक्वेशन इज, इक्वेशन वन इज जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन Re². इक्वेशन नंबर टू इज ग्रेविटी ड्यू टू हाइट इज इक्वल्स टू GME डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच स्क्वायर. इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, नाउ डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन. हम अपनी इस इक्वेशन को इक्वेशन वन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने डिवाइड किया तो GH डिवाइडेड बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू GME अपॉन Re प्लस एच स्क्वायर. हमारे पास ये रेसिप्रोकल आ गया Re² अपॉन GME. ये कैंसिल. नाउ आवर इक्वेशन बिकम्स Re² डिवाइडेड बाय Re+H होल स्क्वायर. नाउ इक्वेशन इज GH डिवाइडेड बाय जी ग्रेविटी ड्यू टू हाइट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Re+H होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Re². टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन वी हैव टेकन रेसिप्रोकल ऑफ आवर दिस इक्वेशन. नाउ इट बिकम्स 1 अपॉन Re² प्लस 2RH प्लस H² डिवाइडेड बाय Re² ये हमने अपनी पार्शल फ्रैक्शन से इसको ओपन किया. हमारे पास आ गया 1 अपॉन Re² डिवाइडेड बाय Re² प्लस 2RH और हमारा Re+H होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A² प्लस 2AB प्लस B² आवर फार्मूला. आवर इक्वेशन विल बिकम Re² प्लस 2RH प्लस H² ये हमने इस अपने फार्मूले से इसको ओपन किया. देन हमने इसको पार्शल फ्रैक्शन के तौर पे इसको ओपन किया A+B डिवाइडेड बाय C A/C प्लस B/C. तो हमारी इक्वेशन विल बिकम Re² डिवाइडेड बाय Re² प्लस 2RH डिवाइडेड बाय Re² प्लस H² डिवाइडेड बाय Re² ये कैंसिल हो गया हमारे पास. ये एक स्क्वायर R से कैंसिल हुआ, हमारे पास इक्वेशन हो गई 1 अपॉन 1 प्लस 2H डिवाइडेड बाय R प्लस H² डिवाइडेड बाय R²
अब ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये नेग्लिजिबली स्मॉल है, इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों? हमारे पास अगर ये मास 5 मीटर हाइट पर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ प्लेस किया अर्थ को, अर्थ से एच हाइट इसकी 5 मीटर है, हम यहाँ पर रखेंगे 5 स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ होगा हमारा 6 × 6.38 × 10⁶। तो ये इक्वेशन हमारी निगलेक्ट करनी होगी, हमें नेग्लिजिबली स्मॉल होगी। सो आवर इक्वेशन विल बिकम 1/(1+2h)/r। नाउ gh/g इज इक्वल्स टू 1+2h/r, और हमने इसको ऊपर लेके गए तो ये हमारे पास -1 इसकी वैल्यू हो गई। gh = g 1+2h/r-1। अब हमने इसको लिया किससे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, 1+x^n, तो हमारे पास हो जाता है 1+nx, फॉर x की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल लेस देन 1 होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, gh = ये हमारे पास g इससे मल्टीप्लाई हो गया इधर जाके, तो ये g 1-2h/r। The terms containing higher powers of h upon r are neglected। जब हम अपना इसे binomial theorem के तरीके इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू स्मॉल होती जाएगी, इसको हम neglect करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटी gh, ग्रेविटी ड्यू टू हाइट इज इक्वल्स टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय 1-2h/r। ये इक्वेशन हमारी क्या शो कर रही है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एच, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, और वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट। यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या इक्वेशन है कि अगर हम जितनी एच की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मास हम अपना अर्थ की सरफेस से दूर ले जाते जाएंगे, हमारी ग्रेविटी ड्यू टू हाइट डिक्रीज होती जाएगी, या हम कहेंगे कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद हाइट। जितनी हाइट या एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती जाएगी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, डेट इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट विच मूव्स अराउंड अर्थ एट स्पेसिफिक हाइट। किसी स्पेसिफिक हाइट पे एक सैटेलाइट मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ, डेट इज कॉल्ड एज इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। हम कंसिडर कर रहे हैं एक सैटेलाइट ऑफ मास m। इट इज़ मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ विद वेलोसिटी v। एक ऑर्बिटल वेलोसिटी v के साथ एक सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के गिर्द, और उसके ऑर्बिट का रेडियस r है। अब हमें मालूम है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा तो उस पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स काम करेगी, एंड वी नो डैट व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, द फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑन विच द बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स वो है जो कि किसी भी बॉडी पर एक्ट करती है और उसको जो रिवॉल्व कर रहा हो एक ऑर्बिट में रेडियस आर में अर्थ के गिर्द या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द, और वो उसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, डेट इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स। What is force of attraction? अब हम यहाँ पर force of attraction इस सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान है।
वो क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? हमें मालूम है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है वो, कि एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब हमारे पास दो तरह की फोर्स काम कर रही है यहाँ पे, एक तो है सेंट्रिपिटल फोर्स, इस सैटेलाइट पे एक्ट कर रही है, अर्थ की तरफ इसे खींच रही है, और दूसरी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दोनों बॉडीज पर के दरमियान मौजूद है, सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान। अब हमने क्या यहाँ पे अपनी इक्वेशन क्या डेवलप की, हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ, ठीक है, जो कि इसे सेंट्रिपिटल फोर्स अप्लाई प्रोवाइड कर रही है। इफ़ मास ऑफ द अर्थ, हमने एज्यूम कर लिया कि ये अर्थ के मास को हम एम ई से डिनोट करेंगे और सैटेलाइट के मास को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, तो हमारा लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बन जाएगा एफ इज इक्वल्स टू जी एम ई मल्टीप्लाइड बाय एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द दोनों के रेडियस के दरमियान का डिस्टेंस आर स्क्वायर। और सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, एफ सी सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सेंट्रिपिटल फोर्स इज द प्रोडक्ट, किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। हमने दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन किया, इस फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स का इक्वल है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के, हमने वो इसकी जगह पे रख वैल्यू रखी इसकी एज इट इज़, इसको उतारा, हमारे पास ये वी स्क्वायर यहाँ से एक इससे एम वी स्क्वायर है हमारा, ये यहाँ पे मास से कैंसिल होगा, रेडियस यहाँ के स्क्वायर से कैंसिल होगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस, इक्वेशन वन हो गई हमारी। नाउ क्या हमारी यहाँ पे सिचुएशन है, ग्रेविटी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे एक्सीलरेशन किसके इक्वल है, ग्रेविटी के इक्वल है जो कि सैटेलाइट पर एक्ट कर रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू वेट एंड वेट इज इक्वल्स टू एम जी, हमने अपना रखा एम जी इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एम कैंसिल हो जाएगा, ये एक आर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जी आर इज इक्वल्स टू जी एम ई, यहाँ पे हमारे पास एक आर रिमेनिंग है, इट इज़ अवर इक्वेशन नंबर टू। नाउ कंपैरिजन करें इक्वेशन वन और टू का, हमारे पास होगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी आर, वी स्क्वायर और ये किसके इक्वल है, जी आर के, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी आर, ये बाय टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इसका यहाँ पे रूट आ जाएगा, वी इज इक्वल्स टू जी आर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटी इन एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी नियर टू अर्थ, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये सैटेलाइट अर्थ के वेरी नियर रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ले लेंगे हम, और ये हमारा कौन सी हम अपना कौन सी सिचुएशन को अज्यूम कर रहे हैं, हमने अज्यूम किया था कि हमने एक मास यहाँ रखा अर्थ के ऊपर, इसी वही सिचुएशन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि अगर कोई सैटेलाइट वेरी नियर ऑफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो रेडियस उसका ऑर्बिट का रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा, तो हमारी इक्वेशन होगी वी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पर क्या है वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी,
v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी, और ये आर क्यों हमने रेडियस ऑफ अर्थ के अज्यूम कर लिया था कि हमारा जो सेटेलाइट है वो वेरी नियर टू अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो हम उसके ऑर्बिटल रेडियस को रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल एज्यूम करेंगे. नाउ वी कैन कैलकुलेट ऑर्बिटल वेलोसिटी विद आवर इक्वेशन v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ.